राज्यसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही राजनीति में कई उठापटक भी शुरू हो गई है। हाल ही में गुजरात के कई कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार को गिराने और पार्टी में सेंध मारने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये कयास इसलिए भी तेज हो रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट और उनके गुट के कई लोग इस समय सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि पायलट से जब एक बार पूछा गया था कि क्या वह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के साथ ही सचिन पायलट को लेकर भी कई बातें उड़ती रही हैं। इसका एक कारण ये भी है कि पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। साथ ही जिस तरह सिंधिया और कमलनाथ में वैचारिक मतभेद रहा है, वैसा ही एक मतभेद सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी हमेशा नजर आता रहा है। अब ये देखना होगा कि आगामी राज्यसभा चुनाव में क्या सचिन पायलट कांग्रेस के साथ निष्ठा से खड़े नजर आते हैं, या फिर अपने स्वार्थ और लोभ के लालच में सिंधिया की ही तरह उनका भी ईमान डोल जाता है। हालांकि राजस्थान में पायलट के साथ इसलिए ये संभव नहीं है क्योंकि आलाकमान ने पहले से ही सचिन पायलट को दो बड़े पद दे रखे हैं। सचिन पायलट राजस्थान में पीसीसी चीफ होने के साथ ही उप मुख्यमंत्री भी हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने हर बड़े फैसले में सचिन पायलट को शामिल करते हैं, साथ ही उनकी राय को उतनी ही तवज्जो देते हैं जितनी की देनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा कारण ये भी है कि सिंधिया के पास विधायकों की एक अच्छी लॉबी थी, लेकिन सचिन पायलट के साथ सिर्फ 3 से 4 विधायक हैं। ऐसे में राजस्थान में सिंधिया की ही तरह पायलट का बीजेपी में शामिल होना नामुमकिन सा लगता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीतिक कुशलता और परिपक्वता का ही नतीजा है कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूती की स्थिति में नजर आ रही है और साफ तौर पर गुजरात का बदला कांग्रेस राजस्थान में लेती नजर आ रही है। ये थी द एंगल की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरें देखते रहिए द एंगल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।